आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम सुनील मान उर्फ टिल्लो ताजपुरिया था, उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से सुबह से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जितेंद्र गोगी की हत्या करने के बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है और पोस्ट करते हुए लिखा है कि गोगी भाई की हत्या का बदला था और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है और जितने भी लोग और बचे हैं इस गैंग के उन्हें भी मारने की वार्निंग दे रहा है गोल्डी बराड। तो जिस टिल्लू ताजपुरिया की आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में हत्या की गई है या फिर जिस गोगी की हत्या के बदले की बात कही जा रही है, ये दोनों टिल्लू और गोगी दोनों कभी एक दूसरे के जिगरे दोस्त हुआ करते थे। एक साथ पढ़ते, एक साथ लिखते, एक साथ खाना खाते, यहाँ तक कि एक साथ एक ही स्पोर्ट्स कोटे से दोनों दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में अपना एडमिशन कराने के लिए पहुँचे थे। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो गैंगवॉर का सिलसिला शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो पहले अब से 2 साल पहले टिल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी की हत्या कराई और 2 साल बाद जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने आज टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवा दी। बस फर्क इसमें इतना है कि जो टिल्लू और गोगी दोनों एक दूसरे को मारकर अपना इंतकाम पूरा करना चाहते थे, वो दोनों एक दूसरे को तो नहीं मार पाए लेकिन उनके गुर्गों ने एक दूसरे को जरूर खत्म कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जिसकी आज तिहाड़ जेल में हत्या हुई है, उसकी और गोगी के बीच में दुश्मनी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन दोनों है, जिस दिल्ली की चर्चा बाहरी मुल्कों में होती है, दिल्ली में नए नए संविधान भी पारित किए जाते हैं, उसी दिल्ली का एक चेहरा और भी है और वो है यहाँ के गैंगस्टर और उनकी दुनिया। दिल्ली के इस चेहरे की चर्चा अक्सर यहाँ पर होने वाले जुर्म को लेकर होती है जो आए दिन लोगों को सोचने समझने पर भी मजबूर करती है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक तरफ तो यूपी है, दूसरी तरफ राजस्थान और हरियाणा, तो यहाँ पर जुर्म बसता है और यहाँ जुर्म बसाने वाले होते हैं यहाँ के गैंगस्टर। इसी दिल्ली में एक गांव है जिसका नाम है ताजपुर। ताजपुर दिल्ली के अलीपुर इलाके में आता है। कभी इस गांव को वेगास के रूप में याद किया जाता था लेकिन अब इसे याद रखने की एक अलग वजह है और वजह ये यहाँ पर पनपता हुआ जुर्म। इस गांव में रहता था सुनील मान उर्फ टिल्लू। टिल्लू के पिता MCT में नौकरी किया करते थे। टिल्लू ने ताजपुर के सरकारी स्कूल से पहले पढ़ाई लिखाई की लेकिन धीरे धीरे उसकी संगत खराब होती चली गई। टिल्लू का सबसे खास दोस्त हुआ करता था जितेंद्र गोगी। गोगी का असली नाम था जितेंद्र मान। जितेंद्र भी ताजपुर गांव का रहने वाला था, दोनों का घर आसपास था। टिल्लू और गोगी दोनों अच्छे खिलाड़ी होने के बाद एक साथ पक्के दोस्त भी हुआ करते थे। 12वीं पास करने के बाद टिल्लू और गोगी दोनों ने दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया। 2007 में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जितेंद्र शुरू से ही वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का बढ़िया खिलाड़ी था। खेल के साथ साथ दोनों ने यह फैसला किया वो कॉलेज का इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे, कॉलेज का चुनाव लड़ेंगे, नाम कमाएंगे। इस दौरान छात्र संघ का चुनाव भी आया तो दोनों ने चुनाव लड़ा। बस यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ गई। दरअसल टिल्लू चाहता था कि गोगी इलेक्शन ना लड़े जबकि गोगी इसके उलट चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए और इतने खराब हो गए कि ये दुश्मनी गैंग वॉर में तब्दील हो गई। कभी दोनों एक दूसरे गैंग का हिस्सा थे लेकिन कॉलेज चुनाव में दो फाड़ के बाद साल 2012 में दोनों अलग हो गए। दोनों अलग अलग दोनों के दोस्त हुआ करते थे जो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। 2013 आते आते जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के बीच गैंग वॉर और तेज हो गई। सुनील मान आउटर दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव था, ना तो पुलिस उसका कुछ कर पा रही थी और ना ही गैंग के बदमाश रुक रहे थे। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलिस अंदर से इस बात से खुश थे कि गैंग के लोग आम लोगों को निशाना ना बनाकर एक दूसरे को जब निशाना बना रहे हैं तो पुलिस का काम इससे आसान हो रहा है। ये दोनों गैंग हत्या, उगाही और लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम लगातार दिया करने लगे। दुश्मनी बढ़ती चली गई। उस दौरान दोनों गैंग ने एक दूसरे के सदस्यों को निपटाना शुरू कर दिया। साल 2015 आ गया और दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर वन बना चुके थे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ही एक दूसरे की हत्या करना चाहते थे। यहाँ लड़ाई अब इज्जत की आ चुकी थी। सबसे पहले 2015 में इस गैंग वॉर में गोगी गैंग के दीपक उर्फ राजू को मारा गया, जिसके बाद से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों गैंग की लड़ाई में अब तक कुल 25 लोग मारे जा चुके हैं। टिल्लू 2016 से जेल में बंद था, उसे 2016 में सोनीपत पुलिस ने एक हत्या के मामले में हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया। टिल्लू ताजपुरिया पर 11 केस दर्ज थे जिसमें 3 हत्या के केस हैं। 2018 में टिल्लू ताजपुरिया और उसके गैंग के लोगों पर
मकोका भी लगाया गया था और नीरज बमाना सुनील राठी जैसे कुख्यात गैंगस्टरों के साथ जुड़ा हुआ था। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया का साल 2013 में एनकाउंटर हुआ। इसमें नीरज बमाना का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में टिल्लू ताजपुरिया की दोस्ती नीरज बमाना से हुई। कहते हैं ना कि जेल में एक बदमाश दूसरे से इसलिए दोस्ती करता है ताकि वो अपने दुश्मन को निपटा सके। कुछ ऐसा ही हुआ, टिल्लू नीरज के सिंडिकेट का हिस्सा बन गया और इसके पीछे की वजह भी साफ थी कि टिल्लू चाहता था कि वो गोगी को तभी ख़त्म कर सकता है जब वो किसी बड़े गैंग का हिस्सा बन जाएगा। इस वजह से उसने नीरज बमाना से हाथ मिलाया। लेकिन नीरज क्यों गोगी के खिलाफ था? दरअसल वो उसका वर्चस्व खत्म करना चाहता था। कहा तो ये भी जाता है कि टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ में मारने की साजिश रची गई थी और ये साजिश रची थी लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने। ये दोनों टिल्लू की हत्या के फिराक में थे और ऐसा भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की नज़दीकियाँ गोगी गैंग से थी। इस बीच गोगी भी जेल पहुँच गया। बात है 2018 की। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गैंगवॉर हुई, ताबड़तोड़ गोलियां चली। दिल्ली के कुख्यात गोगी और टिल्लू गैंग के बीच गैंगवॉर में रास्ते में गुजर रही एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद बदले की आग में टिल्लू गैंग पागल हो चुका था। उसका मकसद था कि जितेंद्र गोगी की किसी भी तरह से हत्या करना। दोनों जेल में थे। साल आया 2021 जब टिल्लू गैंग ने इस कारनामे को अंजाम दे ही दिया। जगह थी रोहिणी कोर्ट। अब बारी थी टिल्लू की। उनके गुर्गों ने कोर्ट के अंदर गोगी की हत्या कर दी। इस कांड में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा और भी कई संदेश साफ थे जो इशारा कर रहे थे कि गोगी की मौत के बाद दिल्ली NCR में खून खराबा और बढ़ने वाला है, क्योंकि गोगी की हत्या से लॉरेंस खेमा सदमे में था। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से गोगी की मौत के बाद रातों रात दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 1 से लॉरेंस बिश्नोई और मंडोली के 15 नंबर जेल से गैंगस्टर संपत नेहरा को उस वक्त राजस्थान के जेल में शिफ्ट कर दिया था। संपत नेहरा मंडोली में उसी जेल में बंद था जहां गोगी की मौत का आरोपी टिल्लू ताजपुरिया था। अब गोगी मर गया था लेकिन बदले की आग नहीं। गुर्गों ने अब जिम्मा उठाया टिल्लू को मारने का और आज यानी मंगलवार को टिल्लू का खात्मा कर दिया। 4 बदमाशों ने टिल्लू के तिहाड़ जेल में हत्या कर दी। तो क्या इसके पीछे गोगी गैंग या लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? इसकी तहकीकात भी की जा रही है। अब सवाल उठा है कि जिन्होंने गैंग बनाया था यानी टिल्लू और गोगी ने, दोनों इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या इस गैंग वॉर का अंत होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। मालूम चला है कि गोगी ने अतीक के हत्यारे सन्नी को भी हमीरपुर से बुलाकर जिगाना में पिस्टल दी थी और दिल्ली की कोर्ट में अपने दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया को मारने का टारगेट पे दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि जितेंद्र गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच एक समझौता हुआ था। अब ये बात सामने आ रही है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है। यानी इससे अब ये भी साफ हो रहा है कि गोगी के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई भी टिल्लू की हत्या करवाना चाहता था। लेकिन सवाल वही बरकरार है और वो ये है कि क्यों? तो क्या नीरज बमाना वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंग वॉर होने की आशंका जताई जा रही है उसे पुलिस रोक पाने में सक्षम होगी? फिलहाल टिल्लू ताजपुरिया का पोस्टमार्टम होना भी बाकी है। फिलहाल देखना अहम होगा कि आगे इस पूरी कड़ी में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो आप बने रहिएगा, आपको एक एक बातों से रूबरू कराएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।